कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम मौलाना बरकती की अकड़ तोड़ दी गई है। लाल बत्ती छीनने के बाद अब उन्हें शाही इमाम के पद से भी हटा दिया गया है। अपने विवादित बयानों और फतवों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले मौलाना नूरुल रहमान बरकती को उनके पद से हटा दिया गया है। देश विरोधी बयान देने की वजह से मस्जिद के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने उन्हें टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम के पद से हटा दिया। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की खबर के मुताबिक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के चीफ शाहजादा अनवर अली ने ये जानकारी दी। अनवर अली ने कहा कि देश विरोधी टिप्पणी को देखते हुए बोर्ड ने उन्हें शाही इमाम के पद से हटाने का फैसला किया है। मस्जिद मैनेजमेंट का मानना है कि देश विरोधी बयान देकर मौलाना बरकती ने मुस्लिमों की भावनाओं को आहत किया है। गौरतलब है कि मौलाना बरकती ने अपनी गाड़ी से लाल बत्ती हटाने से इनकार करते हुए कहा था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें ऐसा करने को कहा है। बरकती के इस रवैये का कई मुस्लिम संगठनों ने भी विरोध किया था, जिसके बाद सोमवार शाम को उन्होंने अपनी गाड़ी से लाल बत्ती को हटा लिया